नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में भाकपा माले के निरसा एरिया कमेटी की बैठक 27 दिसंबर 2023 को अग्यारकुन प्रखंड के मैथन रोड स्थित माले कार्यालय में संपन्न हुई। सबसे पहले केंद्रीय कमेटी की 18 दिसंबर के संकल्प का पाठ किया गया और पार्टी के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र एवं माले नेता काशीथान कोयरी के पुत्र शहीद संजीव कुमार के याद में 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की संचालन एरिया कमेटी के सचिव नागेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने ने कहा कि जब हम 2024 के महत्वपूर्ण चुनावों और बढ़ते फांसीवादी हमले के विरुद्ध निर्णायक प्रतिरोध के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब हमें मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचार आधारा पर मजबूती से खड़े होकर अपने सांगठनिक ढांचा और उसकी कार्यपद्धति को सुदृढ़ करना होगा। सक्रिय ब्रांचों और लोकल कमेटियों के बगैर हम जमीन पर अपनी संगठित उपस्थित को जारी नहीं रख सकते हैं। आइए इस साल के संकल्प दिवस पर सुदृढ़ संगठित मुकाबले के लिए तत्पर संघर्षशील ताकत के रूप में अपने संपूर्ण संगठन को नई ऊर्जा के साथ खड़ा करने का संकल्प लें। निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर तक पार्टी सदस्यता नवीकरण के काम को पूरा कर लेना है। ब्रांचों को पुनर्गठित करते हुए 5 जनवरी को निरसा लोकल व 7 जनवरी को अग्यारकुंड लोकल एवं 10 जनवरी को केलियाशो लोकल सम्मेलन होगा। इस अवसर पर माले के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, मनोरंजन मलिक, रेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, बीके सिंह, काशी कोयरी, मनोज महतो, लक्ष्मी नारायण दास, रामलखन राय, सत्येंद्र चौहान, मुन्ना चौहान, राजू चौहान, जमाल अंसारी, संजीत राउत, पंचानंद माझी, मोहम्मद सलीम, मनोज तूरी, नारायण तूरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट।